होगा वो होगा वोमिटिंग के ऊपर। इसके लिए तो डायग्नोस को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगला जो होगा वोमिटिंग, वोमिटिंग का मतलब होता है बॉडी के अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के लेवल का इम्बैलेंस हो जाना। तो सबसे पहला हमारा जो डायग्नोस होगा वो यही होगा, इम्बैलेंस्ड। सबसे पहले जो हमारा डायग्नोस होगा ये यही होगा, इम्बैलेंस्ड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ द पेशेंट रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग की वजह से जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो इम्बैलेंस हो गया है। कभी भी हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते नोजिया वोमिटिंग रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, क्यों? क्योंकि ये साइन होते हैं जब भी हम कोई भी डायग्नोज बनाते हैं, डायग्नोज बना रहे हैं, नंदा डायग्नोज बना रहे हैं, तो नंदा डायग्नोज में हमेशा क्या करना पड़ता है, नंदा डायग्नोज में हमेशा डेफिशिएंट की कंडीशन है, इम्बैलेंस की कंडीशन है, अल्टर्ड कंडीशन है, डिस्टर्ब कंडीशन है, इन टर्म्स को हमें पहले यूज करना होता है कि इम्बैलेंस है, डिस्टर्ब है, ठीक है, इन कंडीशंस को हमें यूज करना होता है। तो इसीलिए हमने ये लिखा है, इम्बैलेंस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ द पेशेंट रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। पेशेंट्स का जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो क्या हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड नर्सिंग डायग्नोज, ठीक है। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोज में क्या हो गया है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से पेशेंट्स को क्या हो सकता है, अल्टर्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न ऑफ द पेशेंट लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट। पेशेंट्स को ये लग रहा है कुछ भी खाऊंगा तभी बाहर निकलेगा वोमिटिंग के थ्रू, तो वो किसी भी फूड का इंटेक नहीं करेगा। क्यों इंटेक नहीं करेगा, उसको भूख ही नहीं लगेगी, इंटेक ही नहीं करेगा, क्यों? उसको ये लग रहा है किसी भी फूड का इंटेक करूंगा तो वोमिटिंग कंटेंट के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो सेकेंड डायग्नोज यही होगा हमारा, अल्टर्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न। पेशेंट्स को क्या हो रहा है, पायरोसिस रिलेटेड टू एक्सेसिव वोमिटिंग, ठीक है। डायरेक्ट हार्ट बर्न नहीं लिखना है, आपने पायरोसिस लिखना है कि पेशेंट्स को पायरोसिस की कंडीशन हो रखी है, किस वजह से हो रखी है, एक्सेसिव वोमिटिंग की वजह से। या क्या लिख सकती हैं, उसका पेशेंट्स का क्या हो रहा है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो क्या हो रहा है, पेशेंट का जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टर्ब गैस्ट्रिक कंटेंट है पेशेंट का, वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हमने, पायरोसिस रिलेटेड टू एक्सेसिव वोमिटिंग। एक्सेसिव वोमिटिंग की वजह से पर्सन को क्या हो रहा है, पायरोसिस हो रहा है, ज्यादा हार्ट बर्न की कंडीशन आ रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, पायरोसिस हो रहा है, तो पेशेंट्स का क्या होगा, स्लीप पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न ऑफ द पेशेंट रिलेटेड टू हार्ट बर्न। हार्ट बर्न की वजह से पेशेंट्स का जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया है, डेली एक्टिविटी है पेशेंट्स की वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टर्ब डेली एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट रिलेटेड टू पायरोसिस या हार्ट बर्न की वजह से पेशेंट्स की जो डेली लाइफ एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो गई है। और हम क्या लिख सकते हैं, डेफिशिएंट नॉलेज है, ये हम सब में लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। पेशेंट्स को थोड़ी ना पता है कि उसको वोमिटिंग हो रही है, तो उसके यहाँ पे जलन हो रही है, उसको हार्ट बर्न बोलेंगे,
ठीक है, तो पेशेंट्स को डिजीज से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो ये हमारे डायग्नोज थे। सबसे पहले न्यूट्रिशनल स्टेटस है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो इम्बेलेंस हो जाएगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अल्टर्ड हो जाएगा, हार्ट बर्न की कंडीशन, पायरोसिस की कंडीशन आ सकती है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। ये मत सोचना सबने सेम डायग्नोज है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम डायग्नोज बनाएंगे। फीवर में भी वही सेम कंडीशन होगी, स्लीप पैटर्न, ये कॉमन डायग्नोज बता रही हूँ जो सब में यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है पेशेंट्स का, डेली लाइफ एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है पेशेंट्स का, तो ये हमारे क्या है, कॉमन डायग्नोज है। सबसे पहले हम वो डायग्नोज बनाते हैं जो डिजीज कंडीशन से रिलेटेड होता है। जैसे फीवर में हमने बनाया हाइपोथर्मिया और वोमिटिंग में हमने बनाया है इम्बैलेंस फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। अब हम एक उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक एमसीपी को डिटेल में देख लेते हैं। उम्मीद करूंगी एक एनसीपी को डिटेल में डिस्कस करने के बाद आपको समझ आ ही जाएगा। दो हमने पहले डिस्कस किए हैं, फीवर में भी डिस्कस किए हैं, तो कॉमन कॉमन जितने भी नर्सिंग डायग्नोज थे उनको हम कंप्लीट कर ही लेंगे। सबसे पहले होगा हमारा असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये है हमारे स्टेप। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पेशेंट्स का फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो इम्बैलेंस हो रहा है, तो डायग्नोस हमारा यही होगा, इम्बैलेंस्ड फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ द पेशेंट रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग की वजह से असेसमेंट बहुत बार बता चुकी हूँ, दो टाइप की होती है हमारी, सब्जेक्टिव होती है और ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव में हमें पेशेंट खुद बताएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, पेशेंट सेज दैट ही इज फील वेरी वीक, ठीक है। पेशेंट्स क्या बोल रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा वीक फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है, क्योंकि पेशेंट्स का जो इलेक्ट्रोलाइट, पेशेंट्स का इलेक्ट्रोलाइट लेवल है, फ्लूड लेवल है, वो कम हो गया है, वीक भी फील हो सकता है पेशेंट्स को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में जो नर्स ऑब्जर्व करेगी, तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, द नर्स ऑब्जर्व दैट पेशेंट इज look like very weak and anxious, ठीक है। जब हमने पेशेंट्स को देखा तो उस टाइम पे पेशेंट्स बहुत ज्यादा वीक लग रहा था, अनएंजियस लग रहा था, जिससे हमें पता चला है कि इसका फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो इम्बेलेंस हो रखा है। गोल में हम क्या लिख सकते हैं, टू मेंटेन द फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट्स का जो फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो क्या कर देंगे, हम मेंटेन कर देंगे। कैसे मेंटेन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टू कलेक्ट बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट। पेशेंट्स का बेसलाइन डाटा है वो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे, to check the electrolyte level of the patient, patients का electrolyte level check करेंगे, ठीक है। electrolyte check करने के बाद क्या करेंगे, हम patients को IV therapy provide करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, baseline data is collected, इलेक्ट्रोलाइट लेवल इज चेक्ड, आईवी थेरेपी इज प्रोवाइडेड, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या आएगा, फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ पेशेंट इज मेंटेन, फ्लूड एंड
इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ पेशेंट इज मेंटेन। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है पेशेंट्स का, वो हमने क्या कर दिया है, मेंटेन कर दिया है। तो असेसमेंट हमने देख ली, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, डायग्नोज भी हमने देख लिया है, ये हमारा गोल है, प्लानिंग की उसको इंप्लीमेंट किया, ये इवैल्यूएशन, ये हमारा क्या था, वोमिटिंग के ऊपर हमारा एनसीपी था। मोस्ट ऑफ डायग्नोज है वो सारी डिजीज कंडीशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइपरथर्मिया को छोड़ के जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला था वो हम वोमिटिंग के अंदर भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। आपको बताई है एनसीपी के बाद क्या करते हैं, हम हेल्थ टॉक देते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं पेशेंट्स को। हेल्थ एजुकेशन सब में सेम आएगी, मेडिकेशन के बारे में बता दिया हमने, फॉलो अप करवा दिया पेशेंट्स का 7 या 14 डेज के बाद, ठीक है। तो ये हमारा एनसीपी था। तो थैंक यू सो मच गाइस।